तो गाइज यहाँ पे हॉर्स गिरा पड़ा है यार यहाँ पे ना। आप लोग खड़ा नहीं करोगे? नहीं क्यों करोगे खड़ा? नहीं क्यों करोगे इसका तबियत? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अलकायंस व्लॉग एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो गाइज आज मम्मी बहन सब आ जाएंगे तो आज इनका ट्रिप एंड हो गया है। मुझे कैसे कर रहा है इसको, लग रहा है मैं उसको अकेले छोड़ के चली जाऊंगी यार। चलो हम लोग किचन में चलते हैं, पहले कुछ खाओ। मैं मैंगो लेके आई थी, सब खराब हो रहे हैं यार। चलो मैंगो खा लेते हैं। मैं मैंगो काट ली हूँ, गुची को दे दिया है पता है, फिर भी वो मेरे मैंगो पे ऐसे हाथ मार रहा है। बताओ यार सब खाना है इसको, बताओ। तीतू को नहीं खाने देगा क्या? गुची हाँ, कौन है लल्ला? कोई आया है क्या लल्ला? अरे मम्मी आ गई। कुछ नहीं मम्मी, उछल रहा है देखें। टॉफी आ गई, टॉफी आ गई गुची। आवाज सुनते आप लोगों नीचे भागने लग गए। भाव खा रहा है, आप लोग चोर चढ़ के चल जाता ना। ठीक हो गया मैं, तो खुची खुची हो बाबू अभी नहीं चाहता। चीजी लेके आई है गुचू के लिए, चीजी लेके आई है। ओ वाओ, ये मेरे लिए केक लेके आई है, पहली बार जूस और केक लाई है, थैंक यू। तुम लोग दुरंतो में आए हो, उसमें जूस मिला था इनको, खाना जूस नाश्ता सब मिलता, पानी का बॉटल अच्छा था सब। अरे बहुत तेज बारिश हो रही है, देख रहे हो इतना अच्छा हो जाएगा वेदर। अब कुछ ही नहा रहा है, देखो अपने आप ही नहाने चला गया, इसका सही है यार। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं, मम्मी ने टेस्टी टेस्टी खाना बनाया है। सांभरस लेंगे, दाल नहीं मम्मी, लेके आ छोटा टुकड़े इसमें डाल थोड़ा सा लाड़ी कमचीनी वाला मम्मी ने बनाया है। आमरस आधा ले लो, आधा रख दो कह रही है, ठीक है। इतने दिन बाद मम्मी के हाथ का खाना खाएंगे और दिल खुश हो जाएगा। पता मम्मी इतने दिन हम कुछ अगड़म बगड़म खा के रहे हैं, बस एक दिन टिकला बनाया पता है। अच्छा कि आप आ गया, भूख लगता रहता था हमको पता है, बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता। चीज़ी खाना रेडी है, चलो गुची आ जाओ। मेरा बच्चा नीचे वेट कर रहा है तो मैंने इसके लिए ये वाली बिस्किट ली है जो मैं गुची को खिलाती हूँ। वो बच्चा आज मैंने उसके लिए डॉग वाली बिस्किट ली है, चलो उसको खिलाते हैं। वैसे मैं डेली उसको पार्ले जी बिस्किट खिलाती हूँ। आज मैं इसको ना गुची का बिस्किट ला के दी हूँ, इसे बहुत पसंद आया, देखो कितना प्यार से खा ला। ये तो मेरा गुचू गुचू है, ये इसकी मम्मी है शायद। ए मम्मी, मम्मी कैसे शांति से बैठी है बेटा, अपने बच्चे को खाने दे रही है ना। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा लोग। अरे अरे अरे, The next day. दो तीन दिन से लगातार वीडियो नहीं आ पा रहे, बिकॉज मेरी तबीयत एकदम ठीक नहीं है यार। बहन आई ना, उसको बुखार था, फिर मुझे भी बुखार हो गया। पापा मैंने अपनी बहन को बोला तू आके सबको बुखार देकर आ गई। चलो कुछ हम लोग कुछ पीते हैं गरम गरम, मम्मी को बोलती हूँ कुछ गरम पी। मम्मी पियेंगे दोनों यार, खांसी आ रहा है, टॉफी ना सबको बुखार दे भी लगता है। टेट्रा पैक इस चीज से बना देते, इस बार जाएंगे ना सामान लेने। मम्मी खत्म हो गया घर का सामान? हाँ कुछ नहीं है घर में, लेके आएंगे तो हॉर्लिक्स का बड़ा पैकेट ले आएंगे, तो टेट्रा पैक पड़ा था वही यूज कर लेते। रेडी है मेरा हॉर्लिक्स, ठंडा हो गया। थैंक यू। तो गाइस आज मुझे शूट भी करना है, बट मैं सोच रही हूँ फटाफट तबीयत ठीक कर लूँ यार। पता नहीं तीन दिन से मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही क्योंकि मेरी हालत एकदम ठीक नहीं है। बताया ना बहन जब से आई है वो तबीयत सबका खराब कर दिया यार। मम्मी और टॉफी नहीं थी, हम लोग का तबीयत ठीक था ना। अब पता है मम्मी टॉफी और आप आया, टॉफी पूरा तबीयत खराब कर दी। मेरा चद्दर ओढ़ ली पूरा गर्म कर दी और मेरा भी तबीयत खराब हो गया, सुनती नहीं है। आपको पता है कल रात में जब बहुत दर्द कर रहा था ना, तो हम नेट में सर्च किए कि यहाँ पे क्यों दर्द करता है, क्यों दर्द करता है, तो बोला कि आयरन का कमी है। आयरन कर देते हैं तेरी की, मम्मी आयरन कर आयरन कर 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 देते नहीं, मम्मी इसका पैर में आयरन कर दो। अनार का जूस पिए गया तो ठीक है। बाप रे अनार का मुंह दिखा दो, ये देखो अनार का मुंह। ए बप बप, टॉफी को ऐसे ऐसे नहीं बोलो, टॉफी बहुत दिन बाद आई है। तो गाइस अभी खाना खा रहे हैं यार, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, शूट भी है, पता नहीं कैसे शूट करूंगी। गाइस देखो दवाई खा रही हूँ यार, यही दिन बचा है, अभी दवाई खा के जाऊंगी। शूट जैसे तैसे दवाई खा के मैंने अपना तबीयत ठीक कर लिया, क्योंकि आज का टाइम है लाइक संडे है, शूट हो जाएगा, वरना भैया का मंडे टू फ्राइडे जॉब रहता तो भैया शूट नहीं कर पाते हैं। तो चलो फटाफट रेडी ड्रेस अप, एक ये वन पीस होगा साथ में, ये होगा इसके साथ लॉन्ग बूट्स भी होगा। तो ये पैंट है ना सबको बहुत समझ आया था, लाइक ये स्कर्ट जैसा नीचे पैंट है, देखो ये मैंने जारा से लिया था। तो बहुत लोग मुझे इंस्टाग्राम पे इसकी प्राइस पूछ रहे थे, तो 2990 की है ये, पर ये बहुत ज्यादा स्मार्ट लगती है पहनी हुई। तो ये तो अभी 3 बजने वाला है, निकलेंगे 4 बज जाएगा, 4 बजे पता नहीं फोटोज कैसे आए कैसा नहीं, भैया ने बोला अच्छा क्लिक कर देंगे। बाकी बारिश का वेदर भी है ना पापा, आज रैली भी निकलेगा ना पापा, हम कम्प्लीट हो गया रैली, देखा अब टाइम से आराम से चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी तो बारिश हुई थी यार, देख रहे हो बारिश हुई थी। तो गाइस चलो फटाफट रेडी हो जाते हैं। तो मैंने ये टॉप पहन लिया है, नीचे मैंने जीन्स पहन लिया है और उसके अंदर मैंने स्कर्ट भी पहन लिया है,
क्योंकि वहाँ पे पता है गीला होगा, अभी बारिश हुआ था ना, तो एक बार के लिए तो मैं पहन वहन के जा रही हूँ। बाकी वहाँ पे अगर वॉशरूम होगा तो हम दूसरा ड्रेस भी चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें सनस्क्रीन से, तो सनस्क्रीन लगा लेते हैं। वैसे कोलकाता में बहुत गर्मी है और ह्यूमिडिटी तो बहुत ज़्यादा है, तबीयत ठीक नहीं है, बट कोई नहीं यार, शूट करना भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना। सो गाइस, रिसेंटली मैंने ज़ारा का आई शेडो लिया था, बहुत का ब्रश मुझे लाना होगा, आप देख सकते हो कितना अच्छा क्रीमी आई शेडो है। चलो इसको यूज़ करते हैं। अभी मैंने झटपट मेकअप कर लिया, मेरा कैमरा नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, मेकअप कैसा हुआ बताना, देखो। और सबसे अच्छा पता है वो क्रीमी आई शेडो ज़ारा का जो मैंने लिया था वो बहुत अच्छा है, देखो पूरा एकदम मस्त हो गया। बाकी ना मैंने जो नया स्पेक्स लिया था आपको दिखाऊं, ये देखो बहुत प्यारा लग रहा है, वाओ सी कैसा लग रहा। चलो अब हम लोग निकल लेते हैं। चलो मेरा बात सुनो, कि तू तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेके आएगी। ए लल्ला ऐसे नहीं करो, मेकअप चट रहा है मेरा वो मेरे। चलो स्कार्फ मैंने ऐसे बांध लिया है, बारिश हो रही है हल्की हल्की, बट कोई ना। चलो और मेरे भैया भी निकल चुके हैं। सो गाइस, बारिश आने लग गई मेरे पहुंचते ही, देख रहे हो यार, अभी भैया भी नहीं आए हैं यार। गाइस यहाँ पे हॉर्स गिरा पड़ा है यार, यहाँ पे ना कार्ट राइड, मतलब यहाँ पे ना बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको यार, घोड़े को लेकर जाते हैं, लोगों को घुमाते हैं, पर यार ये देखो ये मर गया, इसको किसी को ध्यान नहीं है, इसकी आँख खुली है, देखो देखो इसकी आँख खुली है। इसको डॉक्टर के पास ले जाना होगा, पर मैं कैसे लेके जाऊँ, छोटा होता तो मैं लेके जाती, ऐसे नहीं करना चाहिए एनिमल्स के साथ यार। यही लोग है घोड़ा के, देखो यही लोग है, कोई इंजेक्शन दे दे के इन लोगों ने मारा, इन लोगों का बात सुन लिया था मैंने, गाइस ये रहे देखो ये लोग सब। अभी मैंने पुलिस को बुलाया है, आने दो पुलिस को, बेचारा मरने की हालत में। खड़ा नहीं करोगे? नहीं क्यों करोगे खड़ा? नहीं क्यों करोगे? उसका तबीयत खराब हो, तब आपने देखा था क्या? देखा नहीं तो ऐसे गिरा हुआ है, गिरा हुआ है तभी तो वो गिरा हुआ है। आप उनसे क्यों बात कर रहे हो? आप मुझसे क्यों बात कर रहे हो? आप क्यों बात कर रहे हो मुझसे? आपसे मैं बात कर रही हूँ? क्यों बात कर रहे हो? नहीं नहीं उठाओ मत, पुलिस आन दो फिर उठा लेना आप। सो गाइस कैमरामैन भैया आ गए, पुलिस भी आ गई है, देखें गाइस ये लोग सब लड़ रहे हैं मुझसे, बताओ। अभी देखो पुलिस आएंगे और हम लोग हेल्प लेंगे पुलिस। अभी हेल्प के लिए हम लोगों ने पुलिस अंकल को बुलाया है, ये हमारी हेल्प करेंगे। रहने दीजिए उन लोगों को, देखिए उठा की नहीं, अब इसको सर में पानी मारेगा, सर बर्फ मारेगा, तब उठा कर। गाइस पुलिस वुलिस वहाँ पे खड़े, अभी हम जाएंगे रिपोर्ट करवाने के लिए। बाकी घोड़े को उसने उठा दिया, पुलिस ने बोला उठा लो, पुलिस ने भी साथ नहीं दिया यार, लेट्स सी आगे क्या साथ देते हैं। बाकी अभी हम शूट करा लेते हैं फटाफट, क्योंकि लेट हो जाएगा। हमने टिकट ले लिया, चलो गले के पूछना पड़ेगा ना। सो गाइस अभी हम लोग शूट करने के लिए रेडी है, मैंने बूट्स पहन लिया और रेडी हो गई हूँ, फटाफट कर लेते शूट वरना अंधेरा हो जाएगा। गाइस बारिश के बाद अब विक्टोरिया देखो कितना सुंदर लगता है ना। बाकी घोड़े पे बहुत तरस आ रही है, उसका क्या होगा आई डोंट नो, लाइक मैंने बहुत ट्राई किया, बट हम अभी केस भी करेंगे, लाइक पुलिस ने तो बोला क्या, हम देख लेंगे, लाइक सी क्या होगा। हम लोकेशन चेंज करेंगे, सो अभी हम जा रहे हैं लोकेशन चेंज करेंगे, वहाँ पे विक्टोरिया मेमोरियल है, इतनी प्यारी है ना यार वहाँ पे, देखो कितनी प्यारी लग रही है सब कुछ। हाँ बारिश के बाद और अच्छी वेदर हो गई है यार, गर्मी नहीं लग रही उतनी। घोड़ा नहीं बनना मुझे नेक्स्ट जन्म में, बकरी भी नहीं बनना, मुर्गी भी नहीं बनना, ये सब नहीं बनना मुझे, और कुछ बनाएंगे चलेगा। वो एक चीटी बन जाऊंगी मैं। हाँ वो एक प्लेस है, चले वहाँ पे। हाँ, चलो चलो खाली है पूरी, चले। हाँ, वो वहाँ पे बैकग्राउंड में अपन का वो आ जाएगा, देखो पीछे। भैया एंगल एंगल में फोटो ले रहे गाइस, गर्मी से आप भी बीच गए, पता है हमारी भी हालत ऐसी हो गई, वही तो इतनी बारिश हो गई भी इतनी गर्मी है, कोई नहीं। चल चल के वॉशरूम के साइड जा रहे, ये एक वॉशरूम इतनी गंदी थी ना, चेंज भी नहीं हो कर पाते हम। भैया भी जा रहे हैं साथ साथ। तो गाइस हम लोग इतने दूर चल चल के आए हैं क्योंकि हमें चेंज करना है, वॉशरूम अच्छी थी नहीं वहाँ पे, इतनी छोटी सी इतनी गंदी वॉशरूम थी, अभी चेंज करेंगे। एक तो इतनी ह्यूमिडिटी हो गई ना, मेरे को बार बार वो घोड़ा ही दिख रहा है यार, क्या बोलूँ। सो गाइस ये वॉशरूम अभी बहुत मुश्किल से चेंज किया, बहुत ही गंदी वॉशरूम है यार देखो, बट कोई नहीं हमें शूट करनी है। देखो लिपस्टिक पोछने के लिए वाइप्स भी लेके आई, पोच लेती हूँ, देखो यहाँ पे शूट कर रहे हैं, यहाँ पे अच्छी आएगी फोटोज, यहाँ बैठ के भी शूट कर लेते हैं, बैठ जाओ। सो गाइस देखो हम फोटो क्लिक कर रहे हैं, आ ही नहीं रहा होता है। हाँ ठीक है। सो गाइस अभी हमने शूट कम्प्लीट किया, देखो कितना प्यारा फोटो लिया भैया ने, यहाँ बहुत अच्छी आई है, कितने सारे आए थे सर,
थैंक यू। फोटो डन। इतनी गर्मी है ना यहाँ पे आज कोलकाता में, इतनी गर्मी कि लोग पागल हो गए हैं। यहाँ पे देखो सब खड़े हुए हैं शूट देखने के लिए, देख रहे हो। सो गाइस आज का हमारा शूट डन हो गया है, अब चलो चलते हैं। इतनी गर्मी थी ना इंसान पागल। गाइस अभी हम लोग कोला वगैरह पी रहे हैं क्योंकि इतनी गर्मी जो है यार। थैंक यू, चीयर्स। गाइस कैब आ गई है, चलो कैब में। गाइस फाइनली मैं घर आ गई हूँ, पर वो घोड़े का मैं कुछ भी नहीं कर पाई। हम लोगों को होप रहता ना कि पुलिस आएगी, वो हेल्प करेंगी। पुलिस आई हाफ एन आवर बाद, 10 नंबर से कॉल आया मेरे पास, मैं 100 नंबर पे डायल किया तो क्या हुआ क्या हुआ, 3-4-5 पुलिस कॉल करके मुझे पूछे जा रहे हैं। मैंने एक नंबर पे कॉल किया, 10 कॉल आ गया, पर आने में हाफ एन आवर लगाई। चलो ठीक है, आई तो सही। आकर भी उन लोगों ने एक्शन भी क्या लिया, दूर थोड़ी देर ऐसे खड़े होकर घोड़े को देखा, फिर मुझे बोला वो घोड़ा वाला ही देख लेगा, आपको अगर FIR लिखाना है तो आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, वो भी आधा घंटे की दूरी पे लेके जाते मुझे, और मैं अकेले कितना करूँ यार। एक तो लड़की अकेले सबसे लड़ रही है, आप लोग को थोड़ा होना चाहिए कि आप हेल्प करो। पुलिस कोई हेल्प नहीं की मेरी यार, और बेचारे घोड़े को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि मेरे को भी एक शूट करनी थी। चलो शूट मैं नहीं भी करती, मैं खड़े होके क्या करती जब पुलिस नहीं बोल दिया कि नहीं कुछ नहीं होगा, घोड़ा है वो, उनका घोड़ा है वो, देख लेंगे, वो तो इंजेक्शन लगाने से ठीक हो जाता है। अरे यार इंजेक्शन दे रहे कि कितने घोड़े, कितने केदारनाथ में भी मैंने कितना केसेस सुना है, कोई एक्शन लेने के लिए है नहीं। पब्लिक आती है, देखती है, देख के चल जाती है। अगर हम सब मिलकर एक्शन लेने लगे तो शायद ये जानवर भी बच जाए यार। जानवरों के भी दिल में जगह रखनी चाहिए, बहुत मतलब दिल में होना चाहिए यार। जैसे हम इंसान है वैसे उन लोग का भी तो जान होता है ना यार। मैंने जो देखा ना अपनी आंखों से मैं बता नहीं सकती। तो ये वीडियो इतनी शेयर करो, मेरे वीडियो वायरल हो इसीलिए शेयर मत करो, बस इस जानवर के लिए शेयर करो, उस घोड़े के लिए शेयर करो, हर एक एनिमल के लिए शेयर करो, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर किसी के साथ भी होना तो ये लोग बच जाए यार। और अगर कोई एनिमल लवर है, एनिमल रेस्क्यू टीम है जो मेरी वीडियो देख रही है, प्लीज़ विक्टोरिया मेमोरियल जाना, उन लोगों का मैंने वीडियो डाला है, फोटोज डाला है, सब कुछ किया है, प्लीज़ उस घोड़े की हेल्प करना यार। आई डोंट नो उसके साथ उन लोगों ने क्या किया होगा, क्या क्या होगा, प्लीज़ हेल्प करना। और पुलिस कुछ हेल्प नहीं की यार, कुछ भी हेल्प नहीं की। उन्होंने देखा और देखकर पुलिस मुझे बोली कि आप है ना पुलिस स्टेशन आ जाए, फायर लिखा देना। अरे यार आप ही हेल्प कर देते, उन लोगों को लेकर चल जाते पुलिस स्टेशन जिन लोगों ने उसकी हालत इस तरीके से की है। हेल्प नहीं मिला मुझे कोलकाता पुलिस की तरफ से।